प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 6। लेखिका बता रही थी कि उस समय बचपन में डाकिया दिन में 3 बार आता था और लेटर बॉक्स में पत्र गिराता था और घंटी बजाता था। यदि बाहर से कोई घर के सदस्य लौटते थे तो एक बार अवश्य ही लेटर बॉक्स में झांक कर देख लेते थे। पिताजी दफ्तर से जब भी आते थे तो सबसे पहले यही सवाल पूछते थे कि क्या कोई पत्र आया है क्या, और सबसे अधिक तो विवाहिता बहन के ससुराल से आए पत्रों का होता था। सभी लोग आकर घेर लेते थे और पत्र को बड़े चाव से सुनते थे, पढ़ते थे। यदि माँ नहीं पढ़ पाती थी तो भाई बहनों से एक एक करके पढ़वाती थी और सुनकर, बार बार सुनकर भी उस पत्र को माँ की भूख मिटती नहीं थी। ये लेखिका बता रही है अपने बचपन की बात। गांव में पत्र बांटने का काम प्रायः डाकिया ही करता था। यदि जरूरत पड़ती तो डाकिया पत्र भी लिख देता था। कहा गया है कि खत का मजमून जान लेते हैं लिफाफा देखकर। पहले पत्र पढ़ने के पूर्व ही लोग जान लेते थे कि यह किस प्रकार का पत्र है। यदि पत्र में केसर छिड़का हुआ है तो अवश्य ही चाची को लड़का हुआ है। यदि पत्र में हल्दी छिड़का हुआ है तो अवश्य ही किसी का विवाह का समाचार है इसमें। यदि पत्र का कोना फटा हुआ है तो यह मृत्यु का समाचार है। यदि छात्रावास में रहकर पढ़ने वाले कोई विद्यार्थी का पत्र आया है तो अवश्य ही इसको पैसों की जरूरत होगी, क्योंकि इसको व्यस्तता के कारण पत्र लिखने का समय नहीं मिलता होगा। मगर पहले के समय पत्र पढ़ने के पहले ही बहुत कुछ देखकर पढ़ लिया जाता था। अब उस जमाने में पत्र एक लंबे समय के बाद, 5 दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन के बाद पत्र पहुंचता था। आपको यह संदेह भी बना होता था कि पत्र पहुंचा या नहीं पहुंचा। उस समय एकमात्र तत्कालीन सूचना पहुंचाने का साधन था तार। तार का अर्थ वो वायर तार नहीं, तार वह उस प्रकार का पत्र हुआ, संदेश पत्र हुआ जो तत्काल पहुंचाया जाता, जो 2 और 3 दिन के अंदर हिंदुस्तान में किसी भी जगह पर पहुंच सकता था। इसलिए तार के मिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता था। देर रात को भी तार वाला सांकल खटका कर तार पहुंचा जाता था, पर जब तक उसके द्वारा बढ़ाए गए कागज पर आप हस्ताक्षर करते तब तक आपका दिल धड़कता रहता। लेखक कहती है कि ऐसे अवसर पर उसको तार को खोलना, लिफाफे को खोलना भी बड़ा कठिन होता था। घर के अन्य सदस्य दौड़कर आ जाते थे, खड़े हो जाते थे और सबके चेहरे पर एक ही भाव होता था, क्या हुआ, क्योंकि ऐसे तार प्रायः दुखद समाचार के ही वाहक होते थे। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि केवल तार दुखद समाचार के लिए ही आते थे, विवाह के लिए या पुत्र जन्म के लिए या इस मुबारकी जिसको तार कहते थे वह भी हुआ करता था और ऐसे अवसर पर आता था। कोई रंग बिरंगा फूल वाला तार हो या कोई अन्य कोई किसी प्रकार का तार हो या विशेष अवसर पर आने वाला तार हो, सबका इबारत एक जैसा होता। इबारत का अर्थ हुआ जो सामग्री, जो जो एक प्रारूप लिखने का है वो लगभग एक जैसा ही होता था। महत्व क्या रखता था, प्रेषक का नाम महत्व रखता था, किसने भेजा है ये मानने की बात होती थी। और लेखिका बताती है कि जब से हमने सुना है कि इस डाक विभाग को समेट लिया गया है, हटा दिया गया है, तब से ऐसा लगता है मानो हमारी कोई बहुत प्रिय वस्तु खो गई। लेखिका कहती है कि धीरे धीरे टेलीफोन ने तार की जगह ले ली। आपके घर में नहीं है टेलीफोन तो आस पड़ोस में हो, वहीं सूचना का आदान प्रदान हो जाता था। धीरे धीरे टेलीफोन की संख्या बढ़ने लगी और उसका प्रभाव भी बढ़ने लगा। अब हर घर में टेलीफोन है, उठाओ बात कर लो और उत्तर भी संग में मिल जाता है। पत्र के तरह कोई संदेह नहीं होता है कि
पत्र मिला कि नहीं मिला, इस प्रकार टेलीफोन में या मोबाइल में इस प्रकार का कोई संदेह नहीं होता है। और मोबाइल में तो आकर पूरा क्रांति ही कर रहा है, सब कुछ बदल कर रख दिया। विश्व के किसी भी कोने में आप अपने स्वजन बंधुओं से 24 घंटे आप जुड़े रहते हैं और इस माध्यम से बात तो हो जाती है, लेखिका कहती है, लेकिन तसल्ली नहीं होती। जो तसल्ली उस समय के लंबे पत्र को पढ़कर हुआ करती थी। अभी बेटे का फोन आता है, माँ कैसी हो, सब ठीक है, बस उस अच्छे में हुई बात खत्म, खबर का आदान प्रदान हुआ, बस टेलीफोन रख देने के बाद याद आता है, अरे फलाना बात तो पूछना रह गया, ये बात बतानी तो रह गई। अनेक बार अंदर घुमड़ रही थी मन में, जो चाहकर भी नहीं कर पाए वह भीतर ही रह गया। अब चलते मीटर के आगे कोई कितना बतिया पाए, अब कहाँ ये बता पाई कि कल पप्पू की बारात कितनी धूमधाम से निकली थी, उसमें कितनी आतिशबाजी हुई थी, कैसे कैसे पकवान बने थे, नहीं बता पाई। ये भी नहीं बता पाई कि आजकल मेरा मन बड़ा उदास रहता है, अकारण कोई कारण नहीं, बहुत कुछ बताना रह गया। बात तो होती है लेकिन तसल्ली नहीं होती। अब आजकल की पीढ़ी जो है, जिसकी जिंदगी दौड़ती भागती है, इस दौड़ती भागती जिंदगी में आजकल पत्रों का कोई स्थान नहीं। तार अथवा तार वालों को आज के बच्चे तो पहचानते ही नहीं। एक दो पीढ़ी के बाद बच्चे गाना सुनेंगे, डाकिया डाक लाया वाला गाना, तो गीत सुनकर माता पिता से पूछेंगे, ये डाकिया कौन होता है। सच है, प्रगति जब तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है तो बहुत कुछ किनारे लगती चली जाती है, और समझो ऐसे ही किसी किनारे पर ये छूट गई है हमारी स्नेह पगी पाती। धन्यवाद।